3 लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्या आप इसके मकसद के बारे में जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चाइना ही पहुंच सके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के सतह पर लैंड कर सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना समेत दुनिया की नजरें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। जी हाँ, अंतरिक्ष पर भेजने की तैयारी। अब बात आती है कि चंद्रयान 3 के लिए दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना गया। तो क्या आप जानते हैं, जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। जी हाँ, वो सूर्य को हॉरिजॉन्टली देख सकता है। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ पर तापमान भी बहुत कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण मकसद हैं वो क्या हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो भेजेगा इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। भारत की यह सफलता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।